हाँ जी सर। ज्योतिष पुंज ग्लोबल फेडरेशन वालों अश्विनी गुप्ता की अगुवाई हेठ एक विशेष प्रोग्राम ज्योतिष का महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके विधायक सुनील दत्ती मुख तौर पर उपस्थित हुए अते उन्होंने सम्मानित किया गया। इस मौके श्री दत्ती ने आख्या कि ज्योतिष बहुत ही प्राचीन अते महान विद्या है जिसका चलन ऋषिया मुनिया तो चलता आ रहा है। इस मौके श्री राम दरबार के मुख सेवादार भगत सतनाम टीम मैं श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौंतुंडा गुलाब भगत सतनाम सिंगड़ा। ये जो कोरोना जो हो रहा है इसमें हम यही कहेंगे ये कोरोना मत बोलो, इसको करोना बोलो। करोना का मतलब ये है कि अब माँ का जप पाठ हवन करो ना। माँ तो खुद कहती है ये करोना करने से कुछ नहीं होने वाला, करोना। पंडित शैलेश शास्त्री नोएडा NCR दिल्ली। हाँ जी अक्षीश सिंह बाबा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज। शास्त्री गौरव शर्मा हाँ जी पंडित पलविंदर ने नहीं फेल हो रहा है। इसका मतलब अथर्ववेद के हिसाब से स्थापत्यवेद के हिसाब से वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सर एक जोन होती है 16 जोन्स में से WSW वेस्ट साउथ वेस्ट जो कि 236.25 डिग्री पे शुरू होकर 258.75 डिग्री पे खत्म होती है। इस वाली जोन के जो देवता हैं वो है द्वारिक, और द्वारिक जो देवता है द्वारिक देवता का जो बेसिक काम है वो ये है। तरह श्रीराम वाली का बहुत सांचे दरबार की जय। मैं श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौंतुंडा गुलाब भगत सतनाम सिंगड़ा। ये जो करोना जो हो रहा है इसमें हम यही कहेंगे ये करोना मत बोलो, इसको करोना बोलो। करोना का मतलब ये है कि अब माँ का जप पाठ हवन करो ना। माँ तो खुद कहती है ये करोना करने से कुछ नहीं होने वाला, करोना अब यज्ञ दान जप करो, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। आपको लॉकडाउन का पूरा ये कर्म करना होगा क्योंकि कर्म ही सबसे विद्वान माना गया है। कर्म का मतलब क्या है, एक संतेश किसी के साथ मत रहो, अपने कमरों में रहो, अपने कमरों में बच्चों के साथ रहते हो उनसे भी दूरी बना के रखो और मुख में ये लगा कर रखो। क्योंकि ये नहीं कि हम ये खाली मोदी जी कह रहे हैं, ये ऑल वर्ल्ड का जो माहौल है आपके सामने है, जो त्रस्ती आई है, ये महामारी आई है, इसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको भविष्य के लिए बताने की कोशिश करूँगा लेकिन करता हता तो मेरी माँ ही है, करण कराण आपे आप जिसको कहते हैं। 2020 सम्मत चेतर 25/3/2020 में परमादी नामक सम्मत जो कि वैश्य के घर में इस वक्त आया है। आज विशाख का महीना जो 8:10 पर विशाख को रात को मेघ का सूरज ऊंच का आने से कुछ ना कुछ 10 दिनों में ये जो डिग्री बढ़ने के बाद कुछ ना कुछ प्रकोपी में गर्मी में प्रकृति बढ़ेगी और इस प्रकोपी में थोड़ा सा अंश छाप होगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शांत होने का, इसको गर्मी चाहिए। लेकिन मैं सबको यही कोशिश करूंगा ये कहने के लिए, क्योंकि गर्मी से इस प्रकोपी को सर्दी में मत लाना। सर्दी का लाने का मतलब क्या है, आप पंखे में रखना, कूलर मत चलाना, एसी को तो बिल्कुल ही 2 महीने के लिए भूल जाना। और एसी को भूलने का अर्थ क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आपको सर्दी नहीं चाहिए, ये जो वार्स को आपको गर्मी चाहिए, गर्मी। फिर भी मैं आने वाली जो 14 मई को जो गर्मी का योग आएगा, वो वृषभ राशि में जो सूर्य आएगा, उसमें गर्मी का प्रकोप ऑल वर्ल्ड में ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी डिग्री मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझने की कोशिश करना, ये महामारी जो मिली है ये 21 जून को सूर्य ग्रहण आने से, जो कि भारतवर्ष में जो संकट का समान मतलब सहना पड़ेगा। 16 जुलाई को भारत में, कुछ अच्छी बात भी बता रहा हूँ, 16 जुलाई को ये जो भारत की कुंडली में जो काल सर्प योग है ये बिल्कुल हट जाएगा। इससे भी प्रकोपी में कुछ शांति होगी, लेकिन मैं शांति शांति कह रहा हूँ, बिल्कुल शांति के लिए अभी मैं सितंबर से पहले नहीं कहूँगा, क्योंकि ये नहीं कि मेरे कहने से सब कुछ होगा, करण कराण आप पे आप, मैंने तो पहले भाई ये सब माँ की कृपा है, लेकिन जो हमें समझ आना उस हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी जो देश में ये क्या सीमा वर्ष में ये बातें होगी, अक्टूबर में कोरोना की महामारी शांति होने से, ये अक्टूबर में खास करके, मैं क्यों कह रहा हूँ अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में 13वां महीना ये अगस्त के बाद शुरू होगा, ये 13वां महीना इसको भी अच्छा नहीं माना गया, इसको मल मास महीना कहते हैं। इस मल माल महीने में भी जो प्रकोपी आएगी वो भी ठीक नहीं, इसमें क्या होगा, सारे भारत में शांति की लहर अशांति की लहर दौड़ेगी। इसमें ओलावृष्टि, चक्रव्यूह, खास करके प्रकृति प्रकोप भारत में, खास करके शेयर मार्केट में घोटाले, ऐसे कोई जन मन की हानि बाहर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हमारा भारत महान इसलिए कहा गया है कि इसमें पुण्य और पाप बराबर रखे गए हैं। हम बाहर के बारे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन महामारी ये जन हानि धन हानि हम तो कहते हैं, ये कहीं भी ना हो, ऑल वर्ल्ड में ना हो, पर जो प्रकोपी ग्रहों में लिखी गई है उसको तो कोई प्रकोप को रोक नहीं सकता, लेकिन हम रोक सकते हैं एक ही नियम के साथ। वो नियम कौन सा होगा, उस नियम में जप करो, तप करो। आपको ये पता है कि माँ जो वैष्णवी है, जो वैष्णव का दरबार, उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र को आप समझें, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सुबह 7:45 माँ की हर रोज टीवी में, हर टीवी में श्रद्धा में जो प्रोग्राम आता है, माँ की आरती के दर्शन करो, और शाम को 9:45 फिर दर्शन करो। ये दर्शन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये काली चंडी, ये चंडी का हवन जो बड़े बड़े हैं, मैं तो यही कहूँगा ये हवन नेता लोग करें, अभिनेता लोग करें, सोसाइटियों के लोग करें। हमारे अमृतसर में आज भी कई सोसाइटियाँ हैं, जैसे कई मावें हैं जिनके बड़े बड़े ये जो सोसाइटियों के ये बड़े बड़े माता के कर्म हैं, वो आज भी ये हवन कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको हाथ जोड़ के यही बेनती करूँगा, वो चंडी के हवन करें। ये चंडी की महामारी ही रोकने वाली ये बीमारी का सबसे मेन जो योग होगा, ये सबसे बड़ी मैं बात कह रहा हूँ। और आगे और समुद्र तटों में ये योग जो होगा, यूरोपीय जन धन हानि जो तांडव मैं बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, ये योग जो आना है ये मल मास के बाद शुरू होगा। इसमें मल मास में जब ये योग आएगा, इसमें मूषक, गायें, घोड़ा, गधे, कीटनाशु, शेर, हाथी, ये इसमें जो महामारी जो पड़ेगी, ये महामारी बहुत ही प्रकोप वाली होगी। लेकिन हम कहते हैं कि ये भी कुछ ना हो, इसमें हैजा फैलने का योग भी बनेगा। हम गवर्नमेंट को तरफ ही इसको आगे आगे बढ़ाते जाओ, आगे आगे बढ़ाते हो, मैं यही कहूँगा ये सबको बताओ। लेकिन इसका उपाय मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ये माँ का हवन। अगर आप सोचोगे हम बड़े हवन नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, मैं छोटा सा एक हवन बताता हूँ। हर घर में आपने छोटा सा देसी कपूर लो, उसमें 2 लौंग डालो और कोशिश करो 7 लौंग उसमें 2-2 करके, और मंत्र कह रहा ओम एम ह्रीम क्लीम चुमंडाई बिच्चे स्वाहा। स्वाहा बोलने के साथ ही हवन का कार्य पूर्ण होता है। वैसे इसका मंत्र जपो 108 एक माला करो, ये भी रहेगा। ओम नमः शिवाय की जाप करो, दुर्गा स्तुति, दुर्गा कवच। दुर्गा कवच में तो माँ ने खुद लिखा हुआ है, मेरी प्रकोपी को उतारने के लिए मेरा वचन उसने पहले ही बोल रखा है,
और हमारे पंजाब वाले अमृतसर वाले वैसे बड़ी कृपा है। आपको याद होगा कि 1971 में जब पाकिस्तान से यहाँ जहाज आते थे तो हम वो उससे पूछते थे, मैं वो बात को बताता हूँ जो मैंने सुनी हो, और वो कहते थे हमें नहीं पता कोई बाबा जी आते थे एक ही धक्का मारते थे, हम वहाँ से पानी पानी दिखाई देता और हमें वहाँ पर क्या होता था, हमें तो पानी, हम पाकिस्तान में पहुँच जाते। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं बता रहा हूँ, हमारे पंजाब में सबसे बड़ा जो अमृतसर गुरु नगरी है इसमें जो जो स्नान घाट है इसमें कुंभ रखा गया था, और उसी टोए में कहाँ को हंस की स्टोरी थी, ये लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन मैं कोरोना कोरोना कहने से आप पीछे हटो, अब करोना करोना ये बात करो, करो का मतलब यही है कि कुछ पाठ पूजा करो, प्रभु का नाम लो, ना आपने कहीं जाना है, अब ये मत सोचो कि सुबह सोना है 12 बजे उठना है बस खाना पीना है शाम को फिर सो जाना है, अब कोई टाइम ही कहीं जाना नहीं, ये मत सोचो, प्रभु का नाम लो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी ना हो। मैं श्री राम दरबार की तरफ से मैं यही हाथ जोड़कर बेनती करूंगा कि माँ का नाम लो, ये नहीं कि मैं माँ क्यों कह रहा हूँ कि और किसी का नाम नहीं लेना, सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता एक ही है। मैं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ, घर से बाहर निकलो, हम तो कहते नहीं मोदी जी ने बोला लक्ष्मण, आपने अगर लक्ष्मण रेखा खींची है तो उसका अमल करो, लक्ष्मण रेखा का आपको फायदा है, एमरजेंसी किसी को जाना पड़ता है, दवाई लेने जाना पड़ता है, सब्जी लेने जाना, उसका एक नियम बनाओ, घर का एक बंदा जाओ जो कि अपना मसला हल करके 10 मिनट में वापस आओ, वो भी नियम में मुंह में पटका जरूर बांध कर जाओ, ये बहुत जरूरी है, ये आपके लिए है, ये लोगों के लिए नहीं है। और फिर मैं यही कहूँगा कि ये जो छोटी छोटी, अब ये भी कह सकता हूँ, कहते गला नहीं सूखना चाहिए, ये गला सूखने के लिए मैं छोटी सी आपको उपाय बताता हूँ, किसी के घर हनी शहद होती है, शहद और सौंफ इसको भड़का कर थोड़ी सी अदरक डालकर इसको जरूर कम से कम पिए, जो भी आपका गला खुश ना हो। मिश्री हर के घर में होती है, सौंफ हर के घर होती है, इसको हमेशा मुख में रखो, गरारे नमक के करो, नीम के पत्ते इसका काढ़ा बनाकर पियो, हर घर में तुलसी होती है उसके 4-5 पत्तियां सुबह और शाम अच्छी तरह धोकर इसको पियो, इसे लेकिन पहले धोवो फिर उबालो, ये मत कहना कि तुलसी को उबालना नहीं है, क्योंकि तुलसी उबालने में कोई ऐसा योग नहीं है। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे उपाय करो जिसे गला ना सूखना पाए, मोटी इलाची लो, अगर थोड़ी सी खांसी जुकाम आता है, अगर आपको वैसे भी आता ना, एक तो ये नियम बन चुका खांसी जुकाम के लिए, लोगों को डर पैदा हो गया, आप ये डर वाले को रोकने के लिए पहले नियम करो ना, मिश्री मुख में रखो, नहीं है तो मोटी चीनी मुंह में रखो, थोड़ी सौंफ मुंह में रखो, खाना खाने के बाद मैं यही कहूंगा थोड़ा सा गुड़ जरूर खाओ, जिससे गुड़ से मैल अंदर जो छाती साफ रहे, और आप ये मैंने चारों तरफ से बातें बताई हैं जो कि घर बैठ के ही करनी है, मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको आपको जो घर का बाहर जाना पड़े, घर के अंदर ही काम करो। जयकारा शेरों वाली दा बोर सांचे दरबार की। नाम के हीरे मोती मैं बिक्री